हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हुई हुई हूँ। तैयार इसलिए हुई हुई हूँ कि आज रात को 12 बजे मेरी बर्थडे स्टार्ट होने वाली है। अपनी बर्थडे के लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ क्योंकि कल के मेरे पास प्लान्स हैं बर्थडे के लिए, लेकिन अभी रात को 12 बजे की सेलिब्रेशन ये डिसाइड हुई है कि मैं और मिल के अभी अपने लिए ब्राउनीज बनाएंगे, क्योंकि मतलब रात का काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए हम लोगों का प्लान बन रहा था कि हम बाहर जाने से अच्छा है कि हम लोग में ब्राउनीज बनाते हैं, और इसके अलावा कोई प्यारी प्यारी सी बैठ के पिक्चर्स ले लेंगे। तो गौर ने मुझे कहा कि आप थोड़ा बहुत रेडी हो जाओ, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत रेडी भी यही होता है, मतलब मुझे तो मौका चाहिए होता है तैयार होने का। अच्छा जी, तो मेरे गंदे शीशे को इग्नोर कर लिए, लेकिन अभी सीन ऐसा है कि मैंने गौर को बोला कि आपने मेरे लिए 12 बजे के लिए ये सरप्राइज सोचा हुआ था। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि आपने मेरे लिए ये सोचा हुआ था कि हम लोगों ने ब्राउनीज बनानी है और पिक्चर्स लेनी है और ये वो सारा कुछ। तो गौर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो बाहर चलते हैं। अब मैंने तो मना किया है कि बाहर नहीं चलते, लेकिन गौर कह रहे हैं कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो इसलिए जो है अभी हमारा फिलहाल ये प्लान है कि हम बाहर चलते हैं। आंटी अंकल घर नहीं है, तो मैंने बोला कि आंटी भी साथ ले जाते हैं ताकि उनका भी थोड़ा फन हो जाएगा और हम भी चले जाएंगे साथ में, तो मजा आएगा। और दूसरी बात तो मुझे बताना याद ही नहीं, वो ये थी कि मुझे इतने जोर का फ्लू हुआ था आज सुबह पूरा दिन से, मतलब बहुत ज्यादा, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, मुझे इतना फ्लू हुआ था। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी तीसरी बर्थडे, मैं तीनों बर्थडे पे अपनी बीमार रही हूँ, और आज भी इससे पहले भी ठीक होती हूँ, उसके बाद भी ठीक हो जाती हूँ, सिर्फ बर्थडे पे बीमार होती हूँ। तो आज मैंने खुद को बोला कि नहीं, आज मुझे नहीं होना बीमार, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है और मैंने खुद को ठीक रखना है। तो लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुई हूँ तो फ्लू कहाँ गया मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब लड़कियों का ये भी होता है कि जैसे ही आप रेडी होते हैं या उठ के आप फ्रेश होते हैं, तो आपको सारी बीमारियां हर चीज अपनी भूल ही जाती है। कैन यू बिलीव दिस, ये मिशी ने किया है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। अभी उसको समझ नहीं आ रही, हैप्पी बर्थडे थैंक यू किसको बोले।
मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोलूं क्या, मुझे नहीं पता। ये माला क्या माला, आई मिस यू सो मच। मुझे एक बार अभी नहीं दे रहे ना, मैं भी हां बीच में आया था। इधर आओ गिफ्ट देने ना आपको, इधर आओ। बंद करो प्लीज, मैंने बोलूं खोलने की, प्रॉमिस। क्या है ये? ठीक है यार, चलो ये क्या बात है, ठीक है खत्म। ये ले, ये बंद ही नहीं हो रहे, ये अभी जलते रहेंगे यार, गीली जगह फेंक दी है। खत्म खत्म, एक मिनट खत्म हो गया। नहीं नहीं किधर खत्म हुए, 100 पटाखे लाइट। ओह माय गॉड, छत पे जल गए 100 पटाखे यार, सारे लोग आ जाएंगे। मेरी आंखों के अंदर शोले भी हैं ना यार, गौर सब आ जाएंगे। 100 पटाखा, बस बस मेरे खाले पटाखे बहुत हैं। मेरा 150 रुपया ले, मेरी जो आंखों के अंदर। यार मीशी तुम लोगों ने कितना प्यारा प्लान किया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। तुमने ब्लॉग अच्छा बनाया, थैंक यू। तो गुरु ने इतना कुछ प्लान किया हुआ था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज से माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वाली। तुमने भी इतना किया। हाँ कैसी, अभी मैंने वीडियो बनाई है, कैसे गया ना बैलून। चलो अच्छा जी, बढ़ने ना दे, बैठो बैठो आ रहा। अच्छा जी, तो अब हम लोग KFC जा रहे हैं, ताकि हम लोग अब यहाँ पे कुछ खाएं। जो हमारा पहले वाला प्लान था ना, वो अब आगे हो गया, लेकिन बीच में इतना सारा कुछ था वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम सो 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 हैप्पी यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, ब्राउनी बनाएंगे 12 बजे घर पे। अस्सलाम अच्छा जी, तो अब हम लोग अपने खाने पीने से फ्री हो चुके हैं, टाइम जो है वो एक हो गया है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है, हालात भी थोड़े ठीक नहीं चल रहे वैसे, और सर्दी भी काफी ज्यादा है, सर्दी भी काफी ज्यादा है। तो मिशी वो हम लोटस केक आधा लेके जाएंगे और हम दे नहीं, चोर आके पड़ जाएंगे, हम गाड़ी दे देंगे, कपड़े दे देंगे, लेकिन हम लोटस लेके जाएंगे आधा। मेरी शक्ल पे कोई, मेरी शक्ल पे कोई मोजी लगा देना, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं कल क्या सीन होता है, कल क्या करते हैं, बाकी व्लॉग में आप आगे आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को बस घर ड्रॉप करेंगे अंधेरे अंधेरे में, और फिर अपने घर चलेंगे। तो मिलते हैं दोबारा।